जब जब गया हूँ वहाँ से अचंभा। अमिताभ कुंभ बुला रहे हैं, इतने सारे लोग भक्ति और आस्था के लिए एक साथ एक जगह। मानवता का ये महोत्सव सच में अद्भुत होता है। बिग बी कुंभ की खासियत बता रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा मकर में प्रवेश करते हैं और उसी समय बृहस्पति वृषभ में प्रवेश करता है, तो होता है कुंभ। इस बार कुंभ को खास बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। भव्यता के साथ सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर जगह कुंभ के रंग देखने को मिल रहे हैं। नदी पर बैरिकेडिंग बनाई गई है, जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं ताकि लोग सोशल मीडिया के जरिए कुंभ का प्रचार कर सके। पूरे प्रयागराज में पेंटिंग बनाई गई है, लेजर शो के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। वहीं पूरे मेले में सीसीटीवी की नजर रहेगी चारों तरफ, चाहे वो झूसी का इलाका हो या वो इलाका जहां कल्पवासी निवास करते हैं, खासकर माघ महीने के स्नान के लिए। ये पूरा इलाका इस समय रोशनी से चकाचौंध है और खासकर उन सैलानियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो नहाने के लिए, जो स्नान के लिए संगम पर आएंगे मकर संक्रांति के बाद। सरकार का अनुमान है कि लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु संगम आएंगे और उन्हीं की तैयारियों के लिए अलग अलग बंदोबस्त किए गए हैं। पौराणिक कथाओं का जिक्र होगा, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो विरासत है, जो धरोहर है, उसके बारे में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खाने पीने का इंतजाम होगा, गाड़ियों के अलावा क्योंकि इतनी तादाद में लोग होंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो, उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। इस बार कुंभ में स्वच्छ भारत पर भी विशेष जोर दिया गया है। वहीं कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कुंभ में 1,22,000 शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छता के लिए 20,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 40,000 एलईडी लाइट लगाई गई है। संगम पर 10 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम बनाए हैं। विदेशी सैलानियों के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां सामान्य और प्रीमियम तबके के टेंट मिलेंगे। ट्रैफिक की सुगमता के लिए 5,00,000 गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। सरकार ने कुंभ की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए हैं, जिसका टेस्ट कुंभ शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगा।